नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। देखा गया कि जो हाई कोर्ट जो ग्रुप सी डी की वैकेंसी आपकी कल आई है उसमें काफ़ी बच्चों के कई प्रश्न में सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रश्न है यही दो प्रश्न हैं कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल सी तो आपसे मांगा है कि कंपलसरी है, नीलेट लिखा हुआ है, ट्रिपल सी नीलेट के द्वारा डोएक सोसाइटी के द्वारा चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि क्या ट्रिपल सी इक्विवेलेंट लिखा गया है क्या, वहां पर नहीं लिखा गया। तो अब ये कंफ्यूजन बना है बच्चों में कि सर अगर हमने हायर डिग्री लिया है, डिप्लोमा किया है, तो क्या हम ट्रिपल सी अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। और अगर हम बात करें कि अभी जो आपका 21 में आरओ यारो आया था, ठीक है, उसका भी नोटिफिकेशन जब आप देखोगे तो उसके नोटिफिकेशन जो है उसमें भी हूबहू वही लिखा हुआ है कि सिर्फ ग्रेजुएशन और उसकी इक्विवेलेंट लिखा था, बाकी डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और ओ लेवल बाई डोएक सोसाइटी, और थर्ड आपका क्या लिखा था कि ट्रिपल सी बाई नीलेट, ये तीन चीजें आपके ओ लेवल के अकॉर्डिंग उसने वो किया था, लेकिन इक्विवेलेंट वहां पर चला था जो डीवी हुआ है आपका उसमें चला है। इससे पहले भी अगर आप नोटिस निकाल के देखोगे जो 2018 में आया था सी और डी का, चाहे आपका आरओ आरओ का, तो नोटिस जैसा उसमें शब्दों में लिखा गया वैसे ही शब्दों में अभी भी है, बस एजेंसी अलग है कि पहले हाईकोर्ट ही जारी करता था, अब एनटीए जो है इस नोटिस को जारी करती है ऑन द बिहाफ ऑफ हाईकोर्ट। ठीक है, हाईकोर्ट के कहने पर ही, और हाईकोर्ट ने ही 2018 में आदेश पारित किया था कि जो भी बच्चे जो है अगर किसी एक सेमेस्टर में एक कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट होंगे। कहने का मतलब कि यहां सिंपल से मैं बात करूं कि 6 मंथ आपने, कितना, 6 मंथ अगर आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट होंगे, ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट होंगे। ये हाई कोर्ट का खुद उत्तर प्रदेश द्वारा ये शासन का आदेश भी आया था कि ये कहना है कि जो भी एक साल मतलब एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। और जो इससे ज्यादा कोई डिग्री है, कोई पीजीडीसीए है, कोई बीटेक है, बीसीए है, और एक मतलब 6 महीने से ज्यादा उसने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो तो हायर में आएगा, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो अब बच्चे कंफ्यूज है कि सर मेरे पास ट्रिपल सी नहीं है लेकिन ओ लेवल है तो क्या हम मान्य होंगे? एकदम मान्य होंगे, क्योंकि आपके पास उससे हायर डिग्री है। ठीक है, कहीं भी नोटिस में यह नहीं लिखा गया, और बच्चे किसी की अफवाह में न फैलो, आप फॉर्म भरो, क्योंकि बेसिक जो क्या होता है हाई कोर्ट भी एक सब कुछ निर्णय वही सुनाता है आपका। तो जब आपका लास्ट में डीवी होगा तो जो पैनल बैठता है ना तो वो खुद ही इतना अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको समझ में आ जाता है यार ट्रिपल सी और बीसीए में क्या डिफरेंस है, बीटेक में क्या डिफरेंस है, तो आपको इसके वजह से बाहर थोड़ी करेंगे वो लोग, आपका अधीनस्थ चयन सेवा आयोग नहीं है कि ऐसी गलती है। और साफ साफ जब यूपी गवर्नमेंट का आदेश ही आ गया था 2018 में कि ट्रिपल सी के ये जो आपके सर्टिफिकेट होंगे चाहे इनसे, मतलब सिंपल सा बात बोला गया था कि 6 महीने से ऊपर अगर आपका कोर्स है तो आप ट्रिपल सी से ऊपर की डिग्री रखते हो या 6 महीने का कोई डिप्लोमा है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा डिप्लोमा जो होना चाहिए वो कहीं रजिस्टर्ड संस्था से होना चाहिए, अच्छी संस्था से होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, जहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हो। ऐसे ऐरू गैरू संस्था से नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया और खोल दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा अपने जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्थाएं हैं उनसे ही आपका मान्य होगा आपके जो भी डिप्लोमा किया। बाकी जो डिग्री कोई लिया है बीटेक बीसीए, ठीक है, और पीजीडीसीए, वो तो भाई ट्रिपल सी से ऊपर है, वो फॉर्म आराम से फिल करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी समस्या क्या आ रही है कि क्या स्टेनो सर्टिफिकेट जरूरी है? एकदम जरूरी है, और इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि कोई आपसे बोला नहीं है कि फला उसका होना चाहिए नीलेट का, ऐसा तो होता नहीं है। आप जहां भी स्टेनो सीखते हो उस संस्था का रजिस्ट्रेशन होता होगा, कंपनी एक्ट के तहत उस संस्था का रजिस्ट्रेशन होता होगा,
उसी रजिस्ट्रेशन पे वो सर्टिफिकेट, क्या होता है कि हम लोग सीखते तो हैं लेकिन कभी भी सर्टिफिकेट लेते नहीं है, लेकिन लेना जरूरी होता है कि आपने सीखा, लास्ट में आपका क्या रहा, आपकी स्टेनोटाइपिंग क्या थी, आपका टाइपिंग रेट क्या था, तो यही सब उसमें लिखा रहता है और सर्टिफाइड किया गया होता है। दिस इज सर्टिफाइड डेट फला, आपका नाम ये चीज, आपकी स्पीड इतनी, आपकी राइटिंग स्पीड स्टेनो की इतनी, हिंदी स्टेनो, और वहां पे संस्था का मोहर और सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वही सर्टिफिकेट चाहिए, यही सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी तो आपका स्किल्स देख के पता ही कर लेंगे, उसका तो टेस्ट वो ले ही रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस यही सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपने स्टेनो सीखा जिस संस्था से, बाय द वे आप भूल गए वहां पे नहीं कराए हो, तो जाके संस्था से बात करो और बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट से पहले ही बनवा लेना, बाद में बनवाओगे तो दिक्कत भी पड़ेगा, ये भी जान लेना, ठीक है। तो इस चीजों को कंफर्म कर लीजिए। तीसरा जो आप लोगों का एक क्वेश्चन और है कि सर क्या जूनियर असिस्टेंट में एक जगह लिखा गया है आपका, कभी कभी आप नोटिस पढ़ लो, 2018 का जो सीडी आया था, 14 में सीडी जो आया था, ठीक है, उसमें भी देख लो, वहां पर भी साफ साफ लिखा है नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू, सब्जेक्ट नहीं बोला है कहीं भी, समझ रहे हो मेरी बात को, ज्ञान होना चाहिए हिंदी और उर्दू को। उर्दू के जो शब्द होते हैं जो हिंदी में होते, कहा जाता है ना इसकी उत्पत्ति उर्दू से हुई है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं उसका मतलब क्या है, तो वही बात है, हिंदी और उर्दू का तो ज्ञान होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए एकदम भ्रमित ना हो आप कि नहीं अरे उर्दू तो कहां से हम पढ़ लेंगे, हिंदी तो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उर्दू तो पढ़ते ही नहीं है, वो सिर्फ आपका नॉलेज देखेंगे कि ये उर्दू का शब्द आप हिंदी में पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, वो चीजें हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो आप जो भी 10+2 हो वो सभी लोग भर सकते हो, और जो एक नोटिस निकलता है हाई कोर्ट के द्वारा जिसमें सभी आपके क्या होते हैं पोस्ट होते हैं, वहां जब देखोगे तो वहां ऐसा नहीं लिखा है, जब एक एक का सिंगल सिंगल एडवर्टीजमेंट देखोगे जो एनटीए प्रोवाइड किए उसमें सिर्फ ये बात लिखी है नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू लिखा हुआ है। तो इससे भ्रमित मत होइए, आप 10+2 हो, आपको बस हिंदी की नॉलेज है, उर्दू की नॉलेज, मतलब उर्दू की नॉलेज भी नहीं है तभी भी चलेगा, आप फॉर्म फिल करो, अच्छा पोस्ट है, तैयारी में लग जाओ, मिनिमम आपको 2 महीना से 2.5 महीना समय देगा, इससे ज्यादा समय मुश्किल है मिले आपको, तो अभी से आप तैयारी पे लग जाओ, टीम के द्वारा कोर्स चलाया जा रहा है, आप परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से, ठीक है, अब परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से एक कोर्स हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, दूसरा आपका जो है सी एंड डी के नाम से, या सी एंड डी 2.0 के नाम से चलाया जा रहा है, जिसकी क्लासेस 7 नवंबर से इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा सकता है, अभी ऑफर प्राइस इसकी जो है 599 चल रही है, 599 रुपए का ये बैच है, और ये 2000 का बैच है, और अप्रोक्स इस पे 70% का अप्रोक्स ऑफ चल रहा है, 599 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। अगर इस बैच से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है आपको, अगर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर बताओ, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।